श्री महाभारत खिल भागे अष्टाविंशोध्याय राजा रजी और उनके पुत्रों का चरित्र। इंद्र का अपने स्थान से भ्रष्ट होकर के पुनः उस पर प्रतिष्ठित होना। विशंपायन जी कहते हैं, नरेश्वर सर भानुकुमारी प्रभा आयु की पत्नी थी। उसके गर्भ से आयु के 5 पुत्र उत्पन्न हुए जो सबके सब वीर और महारथी थे। उनमें सबसे पहले नहुष का जन्म हुआ। तत्पश्चात वृद्ध शर्मा उत्पन्न हुए। तदंतर क्रमशः रंभ, रजी और अनेना प्रकट हुए। ये तीनों लोकों में विख्यात है। रजी ने 500 पुत्रों को जन्म दिया। वे सभी शक्ति राजे नाम से विख्यात हुए। उनसे इंद्र भी डरते थे। पूर्व काल में देवताओं तथा असुरों में अत्यंत भयंकर युद्ध आरंभ होने पर उन दोनों पक्षों के दो लोगों ने पितामह ब्रह्मा जी से पूछा, भगवान सर्वभूतेश्वर बताइए, हम दोनों के युद्ध में कौन विजयी होगा? हम इस विषय में आपकी यथार्थ बात सुनना चाहते हैं। तो ब्रह्मा जी ने कहा, शक्तिशाली राजा रजी हाथ में हथियार लेकर के जिनके लिए संग्राम भूमि में खड़े हो गए, युद्ध करेंगे, वे लोग लोकों पर विजय प्राप्त कर लेंगे। इनमें संशय नहीं है। जिस पक्ष में रजी हैं उधर ही धृति है, जहां धृति है वही लच्छी है, तथा जहां धृति और लच्छी है वही धर्म एवं विजय है। भरत कुलभूषण जन्मेजे रजी की विजय के विषय में ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर देवता और दानव प्रसन्न होकर अपनी अपनी विजय चाहते हुए रजी का वरण करने के लिए उनके पास गए। वे राहु के दोहतर थे। राहु की पुत्री प्रभा के गर्भ से उनका जन्म हुआ था। सोमवंश की वृद्धि करने वाले वे राजा रजी बड़े तेजस्वी थे। समस्त देवता और दानव दोनों प्रसन्न चित्त होकर के रजी के पास जाकर के बोले, राजन आप हमारा विजय के लिए अपना श्रेष्ठ धनुष धारण कीजिए। तब स्वार्थ को समझने वाले रजी ने वहां स्वार्थ को सामने रख करके अपने यश को प्रकाश में लाते हुए देवता और दानव दोनों पक्ष के लिए लोगों से कहा। रजी ने कहा, हाँ इंद्र आदि देवताओं, यदि मैं समस्त दैत्यों को जीत करके इंद्र हो सकूं तो तुम्हारी ओर से रणभूमि में युद्ध करूंगा। यह सुनकर के देवताओं ने फिर प्रसन्न चित होकर पहले ही उत्तर दिया, नरेश्वर ऐसा ही होगा, तुम्हारी अभिष्ट कामना पूर्ण हो। देवताओं की यह बात सुनकर के उस समय राजा रजी ने मुख्य मुख्य असुरों से भी वैसी ही बात पूछी जैसे देवताओं से पूछी थी। तब अहंकारी दानों ने स्वार्थ को ही सामने रख करके अनुसरण करते हुए उन नृप श्रेष्ठ की अभिमान पूर्वक यह उत्तर दिया, राजा शिरोमणि हमारे इंद्र तो प्रहलाद ही हैं जिनके लिए हम विजय प्राप्त करना चाहते हैं। राजन आपको इसी शर्त पर हमारे पक्ष में खड़ा होना चाहिए। वे बहुत अच्छा कहकर के असुरों की बात मानना ही चाहते थे कि देवताओं ने फिर उन्हें अपने पक्ष में आने के लिए प्रेरणा देते हुए कहा, राजन तुम इस प्रकार विजय पाकर के हमारे इंद्र हो जाओगे। देवताओं के ऐसा कहने पर राजा रजी ने उन समस्त दानवों का संहार कर डाला जो वज्रपाणि इंद्र के द्वारा मारे जाने योग्य थे। मन को वश में रखने वाले परम कांतिमान एवं शक्तिशाली राजा रजी ने समस्त दानवों का संहार करके दानवों की खोई हुई संपत्ति को फिर वापस ला दिया। तब देवताओं सहित इंद्र ने अपने को रजी पुत्र बताकर उन महापरकर्मी रजी से पुनः इस प्रकार कहा, तात आप हम सब देवताओं के इंद्र हैं, इसमें संशय नहीं है, क्योंकि मैं इंद्र आज से आपके इन वीरोचित कर्मों द्वारा अनुग्रहित होकर के आपका पुत्र कहलाऊंगा। आपके पुत्र रूप में ही मेरी ख्याति होगी।
इंद्र की ये बात सुनकर के उनकी माया से वंचित होकर के महाराज रजी ने तथास्तु कह दिया। वे इंद्र पर बहुत प्रसन्न थे। उन देवोपम भगवान रजी के ब्रह्मलोकवासी हो जाने पर उनके पुत्रों ने लोक व्यवहार के अनुसार इंद्र से अपना दाय भाग मांगा और बलपूर्वक ले लिया। रजी के 500 पुत्र थे। उन्होंने इंद्र के त्रिविष्टिप नाम से प्रसिद्ध स्वर्गलोक पर बारंबार आक्रमण करके उसे ले लिया। तदंतर बहुत समय बीत जाने पर राज्य और यज्ञ भाग से वंचित होकर के अत्यंत दुर्बल हुए इंद्र ने एक दिन एकांत में बृहस्पति से कहा। इंद्र बोले, ब्रह्म ऋषि, आप एक बेर के बराबर भी प्रोडाश खंड की व्यवस्था मेरे लिए कर दें, जिससे मैं भी सदा तेज से परिपुष्ट होता रहूं। ब्राह्मण प्रभु, रजी के पुत्रों ने मेरा राज्य और भोजन छीन करके मुझे अत्यंत कृश खिन्न चित्त हतोत्साह दुर्बल एवं मूड बना दिया है। तो बृहस्पति जी ने कहा, निष्पाप इंद्र, यदि ऐसी बात है कि तुम्हें मुझसे पहले ही ये कहना चाहिए था। तुम्हारा प्रिय करने के लिए ऐसा कोई कार्य नहीं है जो मैं ना कर सकूं। देवेंद्र, मैं तुम्हारे प्रिय मनोरथ की सिद्धि के लिए निसंदेह ऐसा प्रयत्न करूंगा जिससे तुम अपना राज्य और यज्ञ भाग शीघ्र प्राप्त कर लोगी। तात, तुम जैसा चाहते हो वैसा ही करूंगा, तुम्हारा मन व्याकुल ना हो। ऐसा कहकर के बृहस्पति जी ने उस समय इंद्र के तेज को बढ़ाने वाले कर्म का अनुष्ठान किया। दिश्रेष्ठ, बृहस्पति ने रजी के पुत्रों की बुद्धि में मोह उत्पन्न करने के लिए ऐसे शास्त्र का निर्माण किया जो नास्तिकवाद से परिपूर्ण तथा धर्म के प्रति अत्यंत द्वेष उत्पन्न करने वाला था। केवल तर्क के आधार पर अपने सिद्धांत का प्रतिपादन करने वाले शास्त्रों में वह उत्कृष्ट माना गया है। बृहस्पति का वह नास्तिक दर्शन दुष्ट पुरुषों के लिए मन को अधिक भाता है। धर्म पर ध्यान पुरुषों को बातचीत के प्रभाव में भी उनकी चर्चा नहीं सुहाती। बृहस्पति के उस शास्त्र को सुनकर के वे मंद बुद्धि रजी पुत्र पहले के धर्म शास्त्रों से सदा द्वेष रखने लगे। वक्ता का वह न्याय रहित मत उन्हें बहुत उत्तम जान पड़ने लगा। उसी अधर्म से वे सब पापी नष्ट हो गए। इस तरह बृहस्पति की कृपा से त्रिलोकी का वह दुर्लभ राज्य पाकर के इंद्र बड़े प्रसन्न हुए। वे रजी के पुत्र जब नास्तिकवाद का आश्रय लेकर के विवेक शून्य राग उन्मत्त धर्म के विपरीत चलने वाले ब्रह्मद्रोही शक्तिहीन और पराक्रम शून्य हो गए, तब काम क्रोध में तत्पर रहने वाले उन समस्त रजी पुत्रों को मार करके इंद्र ने देवताओं का ऐश्वर्य और उत्तम स्थान प्राप्त कर लिया, जो इंद्र के अपने स्थान से भ्रष्ट होने और पुनः उस पर प्रतिष्ठित होने के इस प्रसंग को सुनता है और अपने हृदय में धारण करता है, उसके मन में कभी दुर्भावना नहीं आती। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्लबाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में आयु के वंश का वर्णन विषयक 28वां अध्याय पूर्ण हुआ। श्री महाभारत खिल्लबागे 31वां अध्याय अनिना के वंश का वर्णन धन्वंतरी का काशीराज धनु के यहाँ पुत्र रूप में अवतार। दीवदास के राज्यकाल में भगवान शिव की आज्ञा से गणेश्वर निकुंभ के द्वारा वाराणसी को जन शून्य बनाने का प्रयत्न। माँ शिव और पार्वती का निवास। दीवदास का वाराणसी पर अधिकार और अलर्क की प्रशंसा। मैं शंपांजी कहते हैं, जन्मे जे आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं। आ, मैं अनेना के वंश का वर्णन करूंगा। अनेना के पुत्र महायशस्वी राजा प्रतिशत्र हुए। प्रतिशत्र के पुत्र संजय नाम से विख्यात हुए। संजय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए।
विजय के पुत्र कृति, कृति के हरियश और हरियश के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जयसेन और जयसेन का संकृति था। संकृति के पुत्र महिषी धर्मात्मा क्षत्र धर्मा हुए। यहाँ तक अनिना के पुत्रों का वर्णन हुआ। अब मुझसे शत्रुवृद्ध की संतति का वर्णन सुनो। शत्रुवृद्ध के पुत्र महाशस्वी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक तीन पुत्र थे, काश, शल और प्रभावशाली गृत्समत। गृत्समत के पुत्र शुनक हुए, जिनमें शुनक वंश का विस्तार हुआ। शुनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। शल के पुत्र का नाम आष्टीसेन था। उसके पुत्र काशक हुए। राजन काश के वंशज पुत्र काशी कहलाए। इनमें धीतमा सबसे प्रथम पुत्र थे। धीतपा के धर्म और धनु से विद्वान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरी देव ने बुद्धिमान एम वृद्ध राजा धनु के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। श्री महाभारत खिल्ल भागे 31 अध्याय में अनिना के वंश का वर्णन। धन्वंतरी का काशीराज धनु के यहाँ पुत्र रूप में अवतार। दियोदास के राज्यकाल में भगवान शिव की आज्ञा से घनेश्वर निकुंभ के द्वारा वाराणसी को जनशून्य बनाने का प्रयत्न। वहाँ शिव और पार्थी का निवास, देवदास का वाराणसी पर अधिकार और अलर्क की प्रशंसा। वैशंपायन जी कहते हैं, जन्मे जी आयु पुत्र रंभ के कोई संतान नहीं हुई। अब मैं अनिना के वंश का वर्णन करूँगा। अनिना के पुत्र महिषी राजा प्रतिक्षत्र हुए। प्रतिक्षत्र के पुत्र सृंजय नाम से विख्यात हुए। सृंजय के पुत्र जय और जय के पुत्र विजय हुए। विजय के पुत्र कृति, कृति के हरियश और हरियश के पुत्र प्रतापी राजा सहदेव हुए। सहदेव का धर्मात्मा पुत्र नदीन नाम से विख्यात हुआ। नदीन का पुत्र जयसेन और जयसेन का संकृति था। संकृति के पुत्र महिषी धर्मात्मा क्षत्र धर्मा हुए। यहाँ तक अनिना के पुत्रों का वर्णन हुआ। आप मुझसे शत्रुवृद्ध की संतति का वर्णन सुनो। शत्रुवृद्ध के पुत्र महिषी सुनहोत्र हुए। सुनहोत्र के परम धार्मिक तीन पुत्र थे, काश, शल और प्रभावशाली गृहत्समत। गृहत्समत के पुत्र शुनक हुए, जिससे शुनक वंश का विस्तार हुआ। शुनक वंश में ब्राह्मण, क्षत्रि, वैश्य और शूद्र सभी वर्णों के लोग हुए। शल के पुत्र का नाम आरिष्टीसेन था। उसके पुत्र काशक हुए। राजन काश के वंशज पुत्र काशी कहलाए। इनमें धीतवा सबसे प्रथम पुत्र थे। धीतवा के धनु और धनु से विद्वान धन्वंतरी का प्रादुर्भाव हुआ। अपनी महान तपस्या पूरी करके अंत में धन्वंतरी देव ने बुद्धिमान एवं वृद्ध राजा धनु के यहाँ इस मनुष्य रूप में पुनः जन्म ग्रहण किया। जनमेजय ने पूछा, ब्राह्मण धन्वंतरी देव इस मनुष्य लोक में किस प्रकार उत्पन्न हुए, ये मैं जानना चाहता हूँ। अतः ये प्रसंग मुझे ठीक ठीक बताइए। तो वैशंपायन जी ने कहा, भरत श्रेष्ठ, धन्वंतरी के जन्म का ये प्रसंग सुनो। वे पूर्व काल में अमृत मंथन के समय समुद्र से प्रकट हुए थे। पहले जब वे समुद्र से प्रकट हुए, उसमें भगवान विष्णु के नामों का जप और आरोग्य साधक कार्य का चिंतन करते हुए सब ओर से दिव्य कांति से प्रकाशित हो रहे थे। वे अपने सामने भगवान विष्णु को देख करके खड़े हो गए। भगवान विष्णु ने उनसे कहा, तुम अप अर्थात जल से प्रकट हुए हो, इसलिए अब्ज हो। उनके ऐसा कहने से वे अब्ज कहलाने लगे। उस समय अब्ज ने भगवान विष्णु से कहा, प्रभु मैं आपका पुत्र हूँ श्रेष्ठ, मेरे लिए यज्ञ भाग की व्यवस्था कीजिए और लोक में मेरे लिए कोई स्थान दीजिए।
उनके ऐसा कहने पर भगवान विष्णु ने उनकी ओर देख करके ये यथार्थ बात कही। पौर काल में यज्ञ संबंधी देवताओं ने यज्ञ का विभाग कर लिया है। महर्षियों ने हवनीय पदार्थों का देवताओं के लिए ही विनियोग किया है। इस बात की तुम अच्छी तरह तुम समझ लो बेटा, तुम्हें छोटे मोटे उपहोम कभी नहीं अर्पित किए जा सकते, क्योंकि वे तुम्हारे योग्य नहीं है। तुम देवताओं से पीछे उत्पन्न हुए हो, अतः तुम्हारे लिए वेद विरुद्ध यज्ञ भाग की कल्पना नहीं की जा सकती, और वैदिक यज्ञ भाग पाने के तुम अधिकारी नहीं हो। दूसरे जन्म में तुम संसार में विख्यात होगे, वहाँ गर्भ अवस्था में तुम्हें अनिमा आदि सिद्धि प्राप्त हो जाएंगी। प्रभु, तुम उसी शरीर से देवत्व प्राप्त कर लोगे और ब्राह्मण लोग चरु मंत्र व्रत एवं जपनीय मंत्रों द्वारा तुम्हारा यजन करेंगे। फिर तुम उस जन्म में आयुर्वेद को 8 भागों में विभक्त करके उसे 8 अंगों से युक्त बना दोगे। ये बात अवश्य होने वाली है। कमल यानी ब्रह्मा जी ने इसे पहले से ही देख लिया है। यह 8 प्रकार की चिकित्साएं काय चिकित्सा, बाल चिकित्सा, गृह चिकित्सा, उधार अंग चिकित्सा, शल्य चिकित्सा, दंश चिकित्सा, जरा चिकित्सा और वृष चिकित्सा, ये 8 प्रकार की चिकित्साएं हैं। पूर्वोक्त काय बाल आदि जो 8 अंग हैं उन पर चिकित्सा अवलंबित होती है। शारीरिक रोगों के निदान और उपचार को कार्य चिकित्सा कहते हैं। बालकों के रोगों का विचार और उन्हें दूर करने के उपाय आदि बाल चिकित्सक के अंतर्गत हैं। भूत प्रेत पिशाच आदि के आवेग से होने वाली पीड़ा को समझना और विभिन्न प्रकार के उपचारों द्वारा उसे दूर करना, ये गृह चिकित्सा है। सिर नेत्र आदि ऊपर के अंगों की बीमारी को दूर करने की चेष्टा एवं विधि उधर्व अंग चिकित्सा कहलाती है। अस्त्र शस्त्रों के आघात आदि से होने वाले घाव को चीर फाड़ करके ठीक करने की जो क्रिया, उसे शल्य चिकित्सा कहते हैं। सर दर्शन आदि जंगम तथा अफीम आदि स्थावर विष को दूर करने का उपचार दंष्ट चिकित्सा है। रसायन आदि के द्वारा बुढ़ापे को रोकना या उसे दूर करना जरा चिकित्सा है। वाजीकरण तंत्र को ही वृष चिकित्सा कहते हैं। दूसरा द्वापर आने पर तुम संसार में प्रकट होगे, इसमें संशय नहीं है। धन्वंतरी को ये वर दे करके भगवान विष्णु फिर अंतर्ध्यान हो गए। जब दूसरा द्वापर आया तब सुनिहोत्र के पुत्र काशीराज धनु की पुत्री कामना से दीर्घकालीन तपस्या करने लगे। उन्होंने मन ही मन सोचा कि मैं उस देवता की शरण लूं जो मुझे पुत्र प्रदान करेगा। ऐसा विचार करके राजा ने पुत्र के लिए अब्जदेव भगवान धन्वंतरी की आराधना की। उस आराधना से संतुष्ट होकर के भगवान अब्ज राजा धनु से बोले, उत्तम व्रत का पालन करने वाले नरेश, तुम जो वर प्राप्त करना चाहते हो उसे बताओ, वह मैं तुम्हें दूंगा। राजा बोले, भगवान यदि आप मुझसे संतुष्ट हैं तो मेरे पुत्र को मेरे पुत्र हो जाएं और इसी रूप में आपकी ख्याति हो। तब तथास्तु कहकर के भगवान धन्वंतरी वहीं अंतर्ध्यान हो गए। महाराज तदंतर धन्वंतरी देव धनु के घर में अवतीर्ण हुए। काशीराज धन्वंतरी समस्त रोगों का नाश करने में समर्थ थे। उन्होंने मुनिवर भद्वाज से आयुर्वेद तथा चिकित्सा कर्म का ज्ञान प्राप्त करके उसे 8 भागों में विभक्त किया और उन सब की विस्तृत विवेचना की। फिर बहुत से शिष्यों को उस अष्टांग युक्त आयुर्वेद की शिक्षा दी। धन्वंतरी के पुत्र केतुमान नाम से विख्यात हुए। केतुमान के वीर पुत्र का नाम भीमरथ था। भीमरथ के पुत्र धर्मात्मा राजा दिवोदास हुए, जो वाराणसीपुरी के स्वामी थे। नरेश्वर राजा दिवोदास के राज्यकाल में ही शापवश वाराणसीपुरी जन शून्य हो गई थी, जिसे पीछे भगवान रुद्र का अनुचर शेमक नामक राक्षस ने बसाया था।
भगवान रुद्र के पार्षद बुद्धिमान महात्मा निकुंभ ने ये शाप दे दिया था कि वाराणसी पूरी 1000 वर्षों तक जन शून्य बनी रहेगी, इसमें संशय नहीं है। उस पुरी के शापग्रस्त हो जाने पर राजा देवोदास ने अपने राज्य की सीमा पर गोमती नदी के किनारे एक रमणीय नगरी बसाई। पहले वाराणसी पुरी यदुवंशी महिष्यमान के पुत्र भद्रशिरण्य के अधिकार में थी। भद्रशिरण्य के 100 पुत्र थे जो श्रेष्ठ धनुर्धर माने जाते थे। नरश्रेष्ठ देवोदास ने उन सब को मात करके वहाँ अपना राज्य स्थापित किया। उन महाबली नरेश ने भद्रशिरण्य के उस राज्य का बलपूर्वक अपहरण कर लिया। जनमेजय ने पूछा, मुनि, वाराणसी तो सिद्धि क्षेत्र मोक्ष धाम है और प्रभावशाली निकुंभ बड़े धर्मात्मा हैं, फिर उन्होंने उस पुरी को शाप किस लिए दिया? तो वह शंपायन जी ने कहा, राजन, महातेजस्वी नरेश राज ऋषि देवदास वाराणसी नगरी को पा करके वहाँ के राजा हो गए। वे उस समृद्धिशाली नगरी में सदा ही निवास करते थे। इन्हीं दिनों भगवान शंकर विवाह करके देवी पार्वती का प्रिय करने की इच्छा से अपने ससुर के पास निवास करते थे। उस समय महादेव जी की आज्ञा से उनके सुयोग्य पार्षद जो तपस्या के धनी थे उनके पहले दिए हुए उपदेश के अनुसार पार्वती देवी को संतुष्ट करते रहते थे। इससे महादेवी पार्वती तो प्रसन्न रहती थी, परंतु उनकी माता मैना को संतोष नहीं होता था। वे महादेवी पार्वती तथा भगवान शंकर की बारंबार निंदा ही करती थी। उन्होंने एक दिन कहा, उमें, तेरे पति महादेव और उसके पार्षद सभी अनाचारी हैं, साथ ही वे भोलेनाथ सदा के दरिद्र हैं। शील तो उनमें नाम मात्र को भी नहीं है। वरदायिनी उमा माता के ऐसा कहने पर स्त्री स्वभावश कुपित उठी और किंचित मुस्कुरा करके महादेव जी के पास आई। उस समय उनका मुख मलिन हो रहा था। निकट आकर के देवी ने महादेव जी से कहा, देव, अब मैं यहाँ नहर में नहीं रहूँगी, आप मुझे अपने घर ले चलें। गुरुनंदन, पार्वती जी के कथन के अनुसार कार्य करने के लिए महादेव जी ने संपूर्ण लोकों पर दृष्टिपात किया। उन महातेजस्वी महेश्वर ने पृथ्वी पर अपने रहने के लिए सिद्धि क्षेत्र वाराणसीपुरी को पसंद किया, परंतु उस नगरी में राजा देवदास निवास करते थे। ये जान करके महादेव जी ने अपने पास खड़े हुए निकुंभ से इस प्रकार कहा, गणेश्वर, तुम जा करके वाराणसीपुरी को मनुष्यों से सुनी कर दो, परंतु उसके लिए कोमल उपाय से ही काम लेना, क्योंकि वे राजा देवदास बड़े बलवान हैं। तब निकुंभ ने वाराणसीपुरी में जाकर के कंडूक नाई को स्वप्न में दर्शन दिया और कहा, अनघ, तुम नगर की सीमा पर मेरी प्रतिमा बना करके मेरे लिए निवास स्थान की व्यवस्था कर, ऐसा करने से मैं तेरा कल्याण करूँगा। नरेश्वर, तब उस नाई ने स्वप्न में जैसा कहा था उसके अनुसार सब कुछ किया और कराया। राजा को सूचना देकर के उसने नगर के द्वार पर विधि पूर्वक निकुंभ प्रतिमा की स्थापना की। फिर वह प्रतिदिन बड़े समारोह के साथ उस प्रतिमा को पूजा करने लगा। गंध, पुष्प, माला, धूप, प्रोक्षणीय जल तथा अन्न पान आदि अर्पण करने करके वह नई नाई निकुंभ की पूजा करता था। यह वहां अत्यंत अद्भुत सी बात हुई। इस प्रकार वहां नित्य ही निकुंभ नामक गणेश की पूजा होती और वह नागरियों को सहस्त्रों वर प्रदान करते थे। पुत्र, स्वर्ण, आयु तथा संपूर्ण मनवांछित वस्तुएं सबको देते थे। राजा देवदास की शिष्ट महारानी सुयेशा नाम से विख्यात थी। राजा की आज्ञा लेकर के वे साधी महारानी पुत्र की कामना से वहाँ आई। वहाँ जाकर के बड़े विस्तार के साथ पूजा करके देवी सुयेशा ने निकुंभ से पुत्र के लिए याचना की। उन्होंने बारंबार आकर के पूजन किया और अनेक बार पुत्र के लिए प्रार्थना की, परंतु निकुंभ कारणवश उन्हें पुत्र नहीं देते थे। उन्होंने सोचा, यदि राजा किसी तरह हम पर कुपित हो
तो हमारा काम बन जाए। तदंतर दीर्घ काल के पश्चात राजा के मन में क्रोध हुआ। वे सोचने लगे, मेरे नगर के द्वार पर बैठा हुआ यह महान भूत प्रसन्न होकर के नागरिकों को सैकड़ों प्रकार के वर देता है, परंतु तो मुझे क्यों नहीं देता? सदा मेरी ही नगरी में मेरे ही लोग इसकी नित्य पूजा करते हैं। मैंने भी देवी को पुत्र प्रदान करने के लिए बार बार निवेदन किया, परंतु ये कृतघ्न ना जाने किस कारण से मुझे पुत्र नहीं दे रहा है। अतः अब ये विशेषता मुझसे सत्कार पाने के योग्य नहीं रहा, इसलिए इस दुरात्मा के स्थान का मैं नाश कर दूंगा। ऐसा निश्चय करके दुरात्मा दुर्बुद्धि एवं पापी राजा ने गणपति निकुंभ के उस स्थान को नष्ट करा दिया। अपने वासस्थान को भग्न हुआ देख करके भगवान निकुंभ ने राजा को शाप देते हुए कहा, राजन तुमने बिना किसी अपराध के मेरे स्थान को नष्ट कराया है, इसलिए निश्चय ही तुम्हारी ये नगरी अकस्मात जन शून्य हो जाएगी। तंतर उस शाप से उस समय वाराणसी पुरी सुनी होगी, उस पुरी को शाप देकर के निकुंभ महादेव जी के पास चले गए। वाराणसी में रहने वाले सब लोग अकस्मात संपूर्ण दिशाओं में भाग गए। तब महादेव जी ने उस पुरी में अपना निवास स्थान बनाया। फिर वे भगवान शिव गिरिराज नंदिनी उमा का मनोरंजन करते हुए वहाँ आदरपूर्वक रहने लगे, परंतु देवी पार्वती का मन वहाँ नहीं लगता था, क्योंकि वहाँ कोई निश्चित ग्रह ना होने से वे विस्मय में पड़ी रहती थी। अथा पिता के घर के लिए उत्कंठित होने के कारण देवी को वहाँ प्रसन्नता नहीं प्राप्त होती थी। उन्होंने महादेव जी से कहा, भगवान मैं इस पुरी में नहीं रहूंगी, आप मेरे घर को चलिए। महादेव जी बोले, देवी मैं और किसी घर में नहीं रहूंगा, ये अविमुक्त क्षेत्र ही मेरा घर है, अतः मैं वहां नहीं चलूंगा। तुम जाना चाहो तो अपने उस घर को जाओ। त्रिपुरों का विनाश करने वाली त्रिनेत्रधारी भगवान शिव ने हंसते हुए पूर्वोक्त बात कही थी। महादेव जी ने स्वयं ही उस क्षेत्र को अविमुक्त कहा था, इसलिए वह अविमुक्त नाम से प्रसिद्ध हो गया। इस तरह वाराणसी पुरी को शाप प्राप्त हुआ और उसे अविमुक्त क्षेत्र कहा गया। सर्वदेवंतित धर्मात्मा देव महेश्वर सतयुग आदि तीन युगों में देवी पार्वती के साथ उस अविमुक्त क्षेत्र में प्रत्यक्ष निवास करते हैं। कलयुग आने पर महात्मा महादेव जी का ये नगर अदृश्य हो जाता है। उसके अदृश्य हो जाने पर वाराणसी पुरी फिर से बसती है। इस प्रकार वाराणसी नगरी शापग्रस्त होकर के उजड़ी और पुनः बसी थी। भद्रश्रेण्य एक पुत्र दुर्दम नाम से विख्यात था। देवदास ने उसे बालक समझ करके दयावश जीवित छोड़ दिया था। उस राजा ने हे का पुनः होना स्वीकार किया और उनकी सहायता से उसने देवदास द्वारा बलपूर्वक अपहृत हुई अपनी पैतृक संपत्तियों को वापस लौटाया। महाराज भद्रश्रेण्य का महामनस्वी पुत्र दुर्दम एक वीर क्षत्रिय था। उसने वैर का बदला लेने के लिए ही वैसा किया था। देवदास के द्वारा उसको उसकी पत्नी दृश्यदती के गर्भ से वीर प्रतनंद का जन्म हुआ। उस राजकुमार ने बालक होने पर भी दुर्दम से पुनः राज्य छीन लिया। प्रतनंद के दो पुत्र थे, वस और भार्ग। वस के पुत्र अलर्क और अलर्क के सन्नति हुए। काशीराज अलर्क बड़े ब्राह्मण भक्त और सत्य प्रतिज्ञ थे। राजऋषि अलर्क के विषय में प्राचीन पुरुषों ने इस प्रकार से श्लोक का गान किया है, काशी वंश वरतंस अलर्क छाछत, हजार वर्षों तक युवावस्था तथा सुंदर रूप वैभव से संबंध रहे। उन्होंने लोपा मुद्रा की कृपा से उत्तम आयु प्राप्त की थी। रूप और युवा अवस्था से शोभित होने वाले अलर्क का राज्य बहुत विशाल था। महाबाहु अलर्क ने निकुंभ के शाप का
अंत होने पर शिमक नामक राक्षस को मार करके पुनः रमणीय वाराणसीपुरी बनाई थी। सनति के पुत्र धर्मात्मा सुनीत हुए और सुनीत का महाशस्वी पुत्र शिम्य नाम से प्रसिद्ध हुआ। शिम्य के पुत्र केतुमान, केतुमान के पुत्र सुकेतु और सुकेतु के पुत्र धर्मकेतु हुए। धर्मकेतु के पुत्र महारथी सत्यकेतु हुए और सत्यकेतु के पुत्र प्रजापालक विभु हुए। विभु के पुत्र का नाम अनार था। अनार का पुत्र सुकुमार हुआ। सुकुमार के पुत्र परम धर्मात्मा धृष्टकेतु हुए और धृष्टकेतु के पुत्र राजा वेणुहोत्र थे। वेणुहोत्र का पुत्र राजा भरत के नाम से विख्यात हुआ। प्रदत्तन के जो वत्स और भार्ग नामक दो पुत्र बतलाए गए हैं उनमें से वत्स के वत्स भूमि तथा भार्ग के भृगु भूमि नामक पुत्र हुए। ये अंगिर गोत्री गालव के वंशज हैं जो भार्ग वंश में उत्पन्न हुए। इनमें ब्राह्मण क्षत्रिय और वैश्य तीनों वर्णों के लोग हैं। वत्स भूमि और भृगु भूमि के सहस्त्रों पुत्र कहे गए हैं। इस प्रकार ये राजा काशी के कुल में उत्पन्न हुए। क्षत्रिय बताए गए हैं। अब तुम मुझसे नहुष की संतानों का वर्णन सुनो। इस प्रकार श्री महाभारत खिल्ल भाग हरिवंश के अंतर्गत हरिवंश पर्व में 29वां अध्याय पूर्ण हुआ।